इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा तेरह तरीके स्मार्टली पैसे बचाने के तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तेरह ऐसे हैक्स शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप स्मार्टली पैसे बचा सकते हैं प्लस एक पोनस हैक राइट इन दी एंड ये हैक्स मैंने अपनी जिंदगी में यूज करे हैं आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी काम आएंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन हैक नंबर एक ऑटोमेट योर सेविंग्स रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब भी पैसा आपके पास होता है ना आपके बैंक अकाउंट में आपके हाथ में तो आप उसको खर्च कर देते हैं इसलिए अगर आपको पैसा बचाना है और उसको इन्वेस्ट करना है देन यू हैव टू ऑटोमेट दैट इन्वेस्टमेंट कैसे एग्जाम्पल्स आप एस आईपीज करिए जैसे आपकी पूरी सैलरी आएगी आप एक एक और बैंक अकाउंट खोलिए और वहां एक ऑटो डेबिट कर दीजिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट के अमाउंट आपके मेन बैंक अकाउंट से निकल जाए एंड जो भी बचा होगा आप उसी में अपना पूरा महीना चलाएंगे व्हाटएवर इट टेक्स फॉर यू टू ऑटोमेट क्योंकि अगर आप मोटिवेशन पर रिलाई करेंगे तो शायद आप पैसे नहीं बचा पाएंगे बचाने क्यों हैं इन्वेस्ट करने के लिए हैक नंबर दो व्रत रखते हैं मम्मी पापा रखते होंगे आपने भी शायद रखा होगा पैसे का व्रत रखते हैं एक दिन महीने में हफ्ते में हर 15 दिन में यू विल ट्राई अ नॉन स्पेंडिंग डे उस दिन आप कहीं भी किसी भी चीज पे खर्चा नहीं करेंगे दिस वर्क एक एक तो डिसिप्लिन आता है यू गेट टू अंडरस्टैंड कि जिंदगी में सिर्फ पैसा खर्च करके ही हर एक चीज नहीं मिलती टू मोर इंपॉर्टेंटली उस दिन आपको जिंदगी तो जीनी होगी ना तो कहीं ना कहीं तो खर्चा करना ही पड़ेगा सो वॉट विल है आपके पास पैसा खर्च करने की परमिशन नहीं है क्योंकि आप व्रत पे हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि इस दिन इस पॉइंट पे मेरा खर्चा होने वाला है तो उसको कैसे मैं मैनेज दैट डिसिप्लिन ट्रेन यू हाउ टू ट्रीट यूर मनी विद रिस्पेक्ट है यूपीआई यूज करिए क्रेडिट कार्ड की बजाय तीन रीजन से नंबर एक ये पैसा आपका है क्रेडिट कार्ड जो पैसा आपको देता है वो आपका नहीं है वो एक कर्ज है तो हमें लगता है ये पैसा हमारा है लेकिन हमें उसको अल्टीमेटली चुकाना है एंड दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे टू डू इट दूसरा जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं काफी जगहों पे एक सरचार्ज लगता है एक परसेंट का दो परसेंट का तीन परसेंट का भी कभी कभी

नंबर एक आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप 30-45 दिन के बाद उस अमाउंट को पे करते हैं तो मतलब कोई आपको कायदे से एक महीने का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है अगर आपका क्रेडिट कार्ड का स्पेंड बहुत ज्यादा है आप वही अमाउंट एक डेट म्यूचुअल फंड में डालकर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमा सकते हैं ज्यादा नहीं होगा लेकिन फ्री का पैसा है तो वाई नॉट नंबर दो जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है आपके पे पेमेंट पे तो आप हमेशा हर महीने पूरी पेमेंट करेंगे और उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा नंबर तीन हर एक क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्री रिवॉर्ड्स फ्री पॉइंट मिलते ही है on, और उसके बजाय थोड़े और बजाय नहीं और उसके ऊपर थोड़े और रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स भी कमा ले स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग योर मनी जब भी कुछ खरीदने जाते हैं ना एक शॉपिंग लिस्ट बनाइए अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं शॉपिंग लिस्ट ना आपको डिसिप्लिन रखती है आप वो नहीं बनना चाहते जो एक मॉल में घुसेंगे और फिर बोलेंगे अरे ये भी ले ले ये भी ले ले ये भी ले ले ये भी ले ले फिर मॉल वाले आपकी साइकोलॉजी भी खेलेंगे काउंटर पे वो चार चीजें और बेचने की कोशिश कर लेंगे ये चॉकलेट खरीद लो वो मैगी खरीद लो वो चुहिंगम खरीद लो आप जितने पैसे खर्च करने आए थे और जो खरीदने आए थे उसके ऊपर पांच चीजें और खरीद चुके हैं और हजारों रुपए और खर्च कर चुके हैं नॉट द स्मार्ट वे टू डू इट ऑनलाइन भी जब भी आप कुछ खरीदने बैठते हैं मेक अ शॉपिंग लिस्ट अमेजोन पे हो फ्लिपकार्टे हो मिंत्रा पे हो कहीं भी हो यू हैव टू स्टिक टू वॉट यू वॉन्ट और सिर्फ वही खरीद के बाहर निकलना है डोंट योर मनी हैक नंबर बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल हैक है इट्स कॉल्ड द थर्टी डे रूल जब कभी भी आप कोई भी बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं ना मत खरीदिए तीस दिन तक रुक जाइए और तीस दिन बाद अपने आप से पूछिए क्या वो चीज अभी भी मेरे लिए जरूरी है मोस्ट लाइकली वो आंसर ना होगा एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली रेजिस्ट कि अरे सेल लगी है तो चीजें खरीद लो एंड इनस्टेड वही चीजें खरीदेंगे आप जिनकी आपको वाकई में जरूरत होगी हैक नंबर सेवन अगर आप कोई चीज ओकेजनली यूज करते हैं तो उसको खरीदिए मत रेंट पे ले लीजिए हर एक चीज आजकल रेंट पे मिलती है महंगे कपड़े रेंट पे मिलते हैं गैजेट्स रेंट पे मिलते हैं गाड़ियां रेंट पे मिलती हैं तो अगर आप फ्रीक्वेंट यूजर नहीं है उसको रेंट पे आपका बहुत पैसा बचेगा फॉर एग्जाम्पल मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो कभी भी अगर मैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाता हूं या किसी नेशनल पार्क जाता हूं देन आई वॉन्ट टू टेक अ रियली एक्सपेंसिव लेंस वो चार सौ पांच वाले फिक्स फोकस वाले वो पांच छह लाख रुपए के लेंस हैं और मैं मुश्किल से एक साल में या छह दिन जाऊंगा ऐसे पार्क्स। तो मैं क्यों वो पूरे पैसे दू रेंट कुछ हजारों में मुझे वो लेंस मिल जाता है जो मुझे चाहिए आठ well. बड़े साइजेस खरीदिए कि मीडियम को लार्ज को चीजिए जो आप कंज़म्पशन के आइटम लेते हैं उसमें बड़े साइजेस खरीदिए क्योंकि छोटे साइजेस का पर यूनिट कॉस्ट ना महंगा होता है तो अगर आप एक मैगी लेते हैं या चार मैगी का पैक लेते हैं अंतर है अगर आप छोटी चाय का कैन लेते हैं और बड़े चाय का एक कैन लेते हैं या बैग लेते हैं अंतर है इसीलिए अगर आपके पास घर में जगह हो देन प्लीज बड़े साइज की चीजें खरीदिए एक्सपायरी डेट को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि फिर आपके पर यूनिट का खर्चा बचेगा एंड दैट इज एक्चुअली अ स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग मनी हैक नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप कुछ भी ऑनलाइन खरीदते हैं ना प्लीज इनकॉग्निटो या सेफ मोड में खरीदिए क्यों अब इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता लेकिन मैंने ये बहुत बार देखा है अगर आप कभी भी कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं तो कुकीज आपके ब्राउजर में इंसर्ट की जाती है एंड फिर वो कुकीज़ आपको cookies, तो फिर वो कुकीज आपको ट्रैक करती हैं अगर आप सेम चीज को बार बार सर्च करेंगे ना आप देखिएगा धीरे धीरे उसका दाम बढ़ता रहेगा फ्लाइट्स के लिए ट्रू है कपड़ों के लिए ट्रू है गैजेट्स के लिए ट्रू है तो कभी भी अगर आपको कुछ ऑनलाइन खरीदना हो इनकॉग्टो मोड में खरीदिए ताकि उस वेबसाइट को आपके बारे में कुछ नहीं पता होगा एंड गिव यू द प्राइस जो वो एक नए यूजर को देंगे विच मोर ऑफन द नॉट इज द लोएस्ट प्राइस क्योंकि वो चाहते हैं कि वो नया यूजर कन्वर्ट करके उस वेबसाइट से कुछ खरीदे एप्स पे ये पॉसिबल नहीं होगा तो फोन पे ना खरीदते हुए डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खरीदेंगे तो आप पैसे बचा पाएंगे

वो ज्यादा इंटरेस्ट की तरफ जाता है और आपने जो कर्ज उठाया है उसको चुकाने में कम जाता है तो अगर आप शुरू शुरू में ही अपना लोन चुकाने की कोशिश करेंगे यू विल एक्चुअली बी एबल टू पे योर लोन्स फास्टर तो जितना भी हो सके अपने लोन्स को जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करिए क्योंकि अगर आप जल्दी चुकाएंगे तो आप इंटरेस्ट बचा पाएंगे अपना प्रिंसिपल पे करते हुए है। हैक नंबर ग्यारह लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी है बहुत जरूरी है लेकिन जितनी जल्दी खरीदेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा जब आप कम उम्र के होते हैं अपने में, तो आपकी सेहत अच्छी होती है आपके हॉस्पिटलाइजेशन की जो है, वो बहुत कम होती है, आपके मरने की तो सेम कवर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका प्रीमियम भी बढ़ता रहता है फॉर द सेम कवर वाई वु यू सेव मनी ऑन समिंग विच इज सो फंडामेंटल लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ले कौन सा इतने सारे ऑप्शन है इतनी सारी कंपनीज हैं टर्म इंश्योरेंस है एंडाउमेंट प्लान है इट्स नॉट एन इजी डिसीजन टू मेक बट इट्स इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मेक एंड इसीलिए आपको जेन्युअली एडवाइस देंगे कि कौन सी इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट बैठेगी आपके सारे सवालों के जवाब देंगे दे विल डू इट एब्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो बायर इंश्योरेंस फ्रॉम डिटो

बजट बनाना बहुत जरूरी होता है लोगों का पैसा इसलिए बेफालतू खर्च होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है बजटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं 50, 30, 20 को मैंने बहुत बार बात करी है आप उस पर वीडियो भी चेक कर सकते हैं 50 परसेंट आपकी इनकम मैक्सिमम जाएगी आपकी जरूरतों तो की तरफ आपकी ईएमआई हो गए खाने का बिजली का पानी का आपके बेसिक कपड़ों का ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैक्सिमम 50 परसेंट सेंट जाएगा आपकी इच्छाओं के लिए आपकी ख्वाहिशों के लिए तो आप फोन खरीदना चाहते हैं वेकेशन पे जाना चाहते हैं पार्टी करना चाहते हैं उन सबको आपको इस तीस परसेंट के अंदर ही समाना होगा एंड देन कम से कम बीस परसेंट आप इन्वेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर के लिए इसके थ्रू आप हर एक चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने आप को आज मार के अपनी जवानी को बिल्कुल सूली पे चढ़ा के आप अपने बुढ़ापे के लिए जब दांत भी नहीं बचे होंगे ना पैर चल रहे होंगे आप तब करोड़पति होंगे ही फायदा उस पैसे का तो आज पार्टी करिए जितना करना चाहते हैं करिए लेकिन आगे के लिए भी प्लान करिए और नियर बाय फॉर एग्जाम्पल इतने सारे ई मुझे आज भी आते हैं कि सर कॉलेज स्टूडेंट में हमने कॉलेज लाइफ में हमने इतने सारे मजे किए फाइव स्टार होटल्स गए महंगे महंगे वेकेशन पे गए ऑल थैंक्स टू नियर बाय क्योंकि पैसे बचते थे करिए जितना ज्यादा आप अपने पैसे को इज्जत देंगे उसकी अहमियत को समझेंगे उतना ही पैसा आपको वापस इज्जत देगा एंड दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट इन सब के चलते एक बोनस हैक एंड शायद सबसे जरूरी हैक आप ना पैसे बचाने पे ज्यादा फोकस मत करिए क्योंकि रियलिटी यह है कि आपको जिंदगी तो जीनी ही है और जिंदगी जीने के लिए एक मिनिमम खर्चा तो हमेशा लगता है आपको एक मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा सर पे छत के लिए मिनिमम खाना तो खाना ही पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए मिनिमम कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे बाहर जाने के लिए तो हर एक इंसान को एक मिनिमम खर्चा तो करना ही पड़ता है मतलब खर्चे पे आप हमेशा कटौती नहीं कर सकते लेकिन एक चीज है जिसको आप जितना भी चाहे बढ़ा सकते हैं और वो है आपकी आमदनी आप अपनी आमदनी पे अगर फोकस करेंगे देन इट कैन ग्रो फार फास्टर

आप साइड का एक बिजनेस चला सकते हैं आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं कुछ भी जिससे आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डिवर्सिफाई करेंगे सिर्फ एक नौकरी पे ही जिंदा नहीं रहेंगे एंड थ्रू दैट आप पैसे कमाते रहेंगे वाइल बींग स्मार्ट अबाउट वेयर यू स्पेंड दैट मनी तो ये थे थर्टीन प्लस वन बोनस हैक ऑफ कैसे आप स्मार्टली अपने पैसे बचा सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया देन आई विल लीव यू ऑल विद अ वंडरफुल कोट जो वॉरेन बफेट ने एक बार अर्ज किया था एंड ही सेड डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग सबसे पहले अपने आप को बचाइए बचाने का मतलब अपने आप को इज्जत दीजिए अपने आप पे फोकस करिए सो so, स्पेंड इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग पहले अपने लिए सेव करिए अपने फ्यूचर के लिए सेव करिए अपने प्रेजेंट के लिए सेव करिए और फिर उसके बाद जो बच जाता है उसको खर्च करिए ताकि आप जिंदगी अच्छे से जी पाए ऑन दैट नोट अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिस पे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दिस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू सब्सक्राइब करिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल